हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद से लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के दरमियान जिनोन की पूरी टीम आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए तत्पर है और काम कर रही है पूरे जोरों शोरों से। तो हम चाहते हैं कि आप भी सभी मेहनत करें और ये लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें आप सभी स्टडी करें और आपके स्टडी में कोई बाधा नहीं हो। इसलिए हम लोग पूरे प्रयासरत है कि आप लोगों के समय समय पर वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके और आप लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, घर पे आराम से पढ़ाई करें। हम लोग आज एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, नया चीज़ लेके आए हैं आप लोगों के लिए। पिछला जो यूक्लिड डिवीजन लेमिना अपना फिनिश होने के बाद में उसका नेक्स्ट जो चार पार्ट थे उनमें से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेके हम लोग आए हैं आज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें कुछ टर्म्स मैंने यहाँ लिख रखी है। एक दो टर्म्स आप लोगों के सामने अभी वापस से रिवाइज करेंगे हम लोग। दो बेसिक जो टर्म्स है वो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं वैसे तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स, लेकिन वापस से हमारे लिए यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स में वापस से हमने को सीखने को पड़ेगा। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने उनकी डेफिनेशन लिखी है। इफ़ ए नंबर ए, कुछ टर्म्स को मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें। इफ़ ए नंबर ए डिवाइड्स अनादर नंबर बी एग्जैक्टली, अगर मान लीजिए कोई नंबर है आप लोगों का ए और वो एक दूसरे नंबर को बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो वी से दैट हम कह सकते हैं कि भाई ए इज़ द फैक्टर एंड बी इज़ कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ, बी इज़ कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए। यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ ए, बी जो है वो मल्टीपल ऑफ ए रहेगा। यानी कि अगर एक नंबर लिया जाए और उस नंबर को कोई दूसरा नंबर जो है दूसरे नंबर को डिवाइड करता है वो नंबर, तो वो जो नंबर होता है ना आप लोगों का पहला नंबर वो आप लोगों का फैक्टर होगा और दूसरा वाला जो नंबर है वो क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा पहले नंबर का। यानी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, एक 12 एक एग्जाम्पल है हम लोग, तो 12 में अगर 3 उसको डिवाइड कर देता है पूरा पूरी 4 टाइम डिवाइड्स कर देगा वो ये क्वेश्चन होगा। और रिमाइंडर आप लोगों का इस केस में क्या होना चाहिए, 0। रिमाइंडर अगर 0 है आप लोगों का तो जो आप लोगों का डिविडेंड होगा ना, डिविडेंड वो तो क्या होगा आप लोगों का, वो तो मल्टीपल होगा, और वो जो डिविजर होगा वो क्या होगा आप लोगों का, फैक्टर होगा। एक और एग्जाम्पल लूँ मैं अगर इधर, तो मान के चले कि आप लोगों के पास में 18 है और 18 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, तो 9 तो आप लोगों के पास में क्या हुआ, फैक्टर, और मल्टीपल जो है वो 18 आप लोगों का मल्टीपल हो गया किसका, 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। किसी भी नंबर को अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है वो तो फैक्टर होता है, जिस नंबर को जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है उस डिवाइड करने वाले नंबर का। उसके बाद में हम लोग एक नई टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स के बाद में, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, क्योंकि अगले जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है ना वो पूरी की पूरी कंपोजिट नंबर्स को लेके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंटेशन में क्या हो गया आप लोगों के पास में कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात करें हम लोग, क्या होता है भाई, जो प्राइम होता है वो कंपोजिट नहीं होता और जो कंपोजिट होता है वो प्राइम नहीं होता है, सीधी सी बात है। यानी एक नंबर अगर आपको पता है तो दूसरे नंबर अपने आप ही पता चल जाएगा आप लोगों को। एक नंबर पता कर लीजिए, दूसरी चीज़ पता चल जाएगी, या तो प्राइम नंबर याद कर लीजिए या फिर कंपोजिट नंबर याद कर लीजिए। ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप लोग प्राइम नंबर याद करके रखिए, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी सही आती है और आप लोगों को कम भी होते हैं और याद करने में भी ईजीली हो जाते हैं। कैसे, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 जिसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते ना, तो वो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। तो स्टार्ट करें अगर 2 से, 2, 3 और फिर 5 और 7 और फिर उसके बाद में 8, 9, 10, 11 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये नंबर आप लोगों के प्राइम नंबर है। सर कैसा पता चला कि ये प्राइम नंबर है, इसकी कोई ना कोई खास वजह तो होगी। हाँ जी है खास वजह, क्या है कि ये जो नंबर है ना आप लोगों के, ये केवल और केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं। यानी इनके जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो क्या हुए, या तो 1 हुआ या फिर खुद से डिवाइड हो गए। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं
या फिर एक से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट हो गए। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स में वन को हटा दीजिए, उसके बाद में दो इसमें प्राइम में आ गया तो कंपोजिट में नहीं आएगा, तीन भी इसमें आ गया तो ये फोर, उसके बाद में आप लोगों का फाइव इसमें आ गया, सिक्स, फिर उसके बाद में एट, फिर नाइन, फिर टेन, फिर ट्वेल्व और फिर फोर्टीन, क्योंकि थर्टीन इधर आएगा तो 14, उसके बाद में 15 एंड 16 इधर और 17 इधर। तो ऐसे आप लोगों के जो प्राइम नंबर है वो जो मतलब वन से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर, और जो कंपोजिट नंबर हुए वो जो प्राइम नहीं हुए वो कंपोजिट नंबर आप लोगों के पास में हो। अब हम लोगों के पास में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बाद में प्राइम फैक्टर, क्या हम लोग बात करें प्राइम फैक्टर्स की। प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए भाई, दो वर्ड्स हैं ये, एक तो प्राइम और दूसरा फैक्टर, दोनों ही अपने आप में अलग अलग बातें हैं। कैसे, प्राइम यानी जो प्राइम हो और फैक्टर यानी जो फैक्टर हो, यानी प्राइम नंबर्स में जो फैक्टर होते हैं ना वो आप लोगों के प्राइम फैक्टर हो गए, यानी कि जो ऐसे फैक्टर्स जिनको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हो, प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हो, तो उनको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं। ये आप लोगों के प्राइम फैक्टर हो गए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास में ये ले लिया 18, अब मैंने इसको मल्टीपल वो किया, फैक्टराइजेशन किया, तो क्या हो गया आप लोगों के पास में 2 × 9, क्या मैं इसको प्राइम फैक्टर कह सकता हूँ क्या? नहीं सर, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये 9 जो है ना आप लोगों का कंपोजिट नंबर है। कैसे, क्योंकि 9 को हम लोग और आगे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 × 3 × 3, ये हो गए साहब अब प्राइम नंबर, क्योंकि अब इन ये सारे के सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यानी कि ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यहाँ पे डेफिनेशन है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर अकर्स। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स के अंडरलाइन किए भाई, उनमें से जो अंडरलाइन किए गए हैं वही फंडामेंटल थ्योरम है ना, उसके नीड है। जैसे कि कंपोजिट नंबर, यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स, उनमें से एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसमें, प्राइम्स के नंबर में, प्राइम नंबर्स के, एंड दिस फैक्टराइजेशन किसमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। कैसे होता है कि जैसे मान के चले कि मैंने 12 का फैक्टराइजेशन किया, अब 12 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 2 × 3, ये हुआ था 12 का फैक्टराइजेशन, अब इसके अलावा इसका फैक्टराइजेशन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ और है इसमें ऐड की हुई है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर अकर, यानी कि क्या हो सकता है, जैसे 12 का फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ किया ना कि 2 × 2 × 3, ये तो हो सकता है, बस इनका ऑर्डर में कोई इशू नहीं है कि या तो 2 × 3 × 2 भी कर सकते हैं, चाहे 2 × 2 × 3 करें हम लोग, यानी कि इसका ऑर्डर कोई इशू नहीं करता, होता है यूनिक, आएगी वही, चाहे किसी भी रास्ते से करें हम लोग, किसी भी तरीके से करें, आएंगे फैक्टराइजेशन वही जो एक बार आ गए वही यूनिक होते हैं आप लोगों के, किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होते हैं, यानी एक बार जो आ गया वही आ गया, इसके बाद में वो नहीं कर सकते हम लोग कि दूसरे हम लोग लिख सकते हैं, केवल उनकी जगह चेंज कर सकते हैं, केवल उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान के किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया कि 2 × 2 × 3 लिखूंगा, ठीक है भाई, दूसरे ने लिखा कि सर मैं 2 × 3 × 2 लिखूंगा, ठीक है, सबकी बातें सही है, इसीलिए एक कॉमन तरीका रिप्रेजेंट करने के लिए बना दिया गया कि आप सभी इन कन्फ्यूजन में नहीं हो। इसके लिए क्या करें हम लोग, एक ऑर्डर ऐसा कर दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए आप, बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिखेंगे कि छोटी जो छोटा नंबर होगा उसको पहले लिख दीजिए और जो बड़ा नंबर है उसको बाद में लिख दीजिए। हालांकि अगर ऐसे लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा लिख दीजिए कि भाई छोटे को पहले लिख दीजिए और बड़े को बाद में लिख दीजिए। तो ये फंडामेंटल थ्योरम। अब कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे, जो मेरे जैसे मान के चले कि भाई सर
कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन और ये क्यों करवा रहे हैं हम लोगों से, ये तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। हाँ जी, आप पहले भी सीख चुके हैं, SCF जो हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमिना का यूज करके पहले करवाया था वो भी आप लोग सीख चुके हैं। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम जो अर्थमेटिक्स है उससे भी यही करेंगे, SCF फाइंड आउट करना है इससे ही, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो SCF निकालेंगे और LCM फाइंड आउट करना। सर SCF तो पहले भी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमिना से भी कर चुके हैं, तो इससे क्यों करें? क्योंकि इससे हम लोग SCF और LCM दोनों की दोनों एक साथ कर सकते हैं। SCF और LCM फंडामेंट अगर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन किया तो उससे LCM भी आएगा आप लोगों के पास में और SCF भी आ सकता है, दो या तीन नंबर का आप लोगों के जितने भी नंबर है उनका। इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स और यूक्लिड डिवीजन लेमिना इनमें यह डिफरेंस होता है आप लोगों के लिए कि उससे केवल हम लोग SCF फाइंड आउट करते हैं, जबकि फंडामेंटल थ्योरम जो होती है उससे हम लोग SCF के साथ साथ में LCM भी डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान के चले इधर मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैं उन एग्जांपल्स की बात करूँ तो 24 है, 24 हुआ तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 2 into फिर उसके बाद में 2 into 3, ये आप लोगों के पास में इसके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद में 36 है, 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 और into 3, ठीक है भाई। ये आप लोगों के पास में, आप कॉमन चीज़ों के कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो ये आप लोगों के पास में कॉमन है, एक ये आप लोगों के पास में कॉमन होगा, इसका पेयर इसके साथ में बन रहा है, ये आप लोगों के पास में अलग है। जिन जिन का पेयर दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो तो आप लोगों के SCF में आ जाएंगे। तो SCF तो क्या हो गया भाई, यहाँ से आप लोगों का 2 into 2 into 3, ये तो SCF हो गया आप लोगों के पास में। और LCM क्या हो जाएगा, यहाँ से LCM हो जाएगा आप लोगों का, LCM हो जाएगा कि SCF और बचा हुआ सारी चीज़ें, LCM में जो आ रहा है वो, SCF में जो आ रहा है वो लिख दीजिए 2 into 2 into 3, और बची हुई सारी चीज़ें कौन कौन बच गया, ये 2 बच गया और ये 3 बच गया, ये आप लोगों का LCM हो गया इसका, ये LCM और ये SCF हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ये है, जैसे मैं ये लिखूँ 144 और 198, सर आपने पहले वाले को दो, चलो ठीक है छोटे नंबर्स थे तो हम लोगों ने कर लिया, अब उसका क्या करेंगे, उसके फैक्टराइजेशन के लिए वही जो पहले करते आए थे हम लोग, या तो ट्री मेथड या फैक्टराइजेशन। दूसरा जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करना सीख रखा है ना, 144 को हम लोग करें तो 2 का 7 टाइम 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना 18, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 19, 3 टाइम और ये 3, और ये वाला 3 आप लोगों का 1 हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 144 का। कितना हो गया 144 का, 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 1 2 3 4 और into 3 और into 3। अब 198 का क्या रहा आप लोगों के पास में, 198 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टाइम अगर डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम और यहाँ से 9 99, फिर हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे तो 33, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम और फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। क्या हो गया भाई 198 का आप लोगों के पास में, ये हो गया 2 into 3 into 3 और into 11। देखिए भाई क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, LCM की बात करें, SCF की क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का पेयर, एक 3 का पेयर यहाँ पे, और एक ये वाला 3 का पेयर आप लोगों के पास में, और 11 का पेयर है नहीं, तो 2 into 3 into 3, ये तो SCF आ गया। LCM की बात करें तो वही SCF और बचा हुआ सब कुछ 2 into 3 into 3, और क्या रह जाएगा, ये 2 into 2 into 2, और उसके अलावा 11, ये आप लोगों का LCM हो गया। तो सिंपली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है वो किस काम में आती है आप लोगों के लिए, ये ज़रूरी है, ये यूज की जाती है आप लोगों का SCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए। और जो यूक्लिड डिवीजन लेमिना थी वो केवल और केवल हम लोग SCF फाइंड आउट करते थे उससे, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, SCF भी निकाल सकते हैं और साथ में LCM भी हम लोग ले सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम जो अर्थमेटिक्स है उस पर बेसिस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके अलावा एक वेरिफिकेशन और दे रखा है कि हमारा जो चीज़ें हैं वो सही है या नहीं है, गलत है क्या नहीं है, उस पर उसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को दे रखा है, जिसको आप लोगों को NTSC ओलंपियाड में आप लोगों से कई बार और कंपिटिशन एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड। क्या है वो फॉर्मूला, हम लोग एक एग्जांपल ले अगर उस पर बेस्ड,
उसी से वो फॉर्मूला आ जाएगा आप लोगों के पास में। जैसे मान के चले कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया 26 और 91, पहले भी एक बार एक एग्जांपल लिखा हुआ था, करवाया था। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 13, और इसका क्या हो जाएगा भाई, 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13, सिंपल। उसके बाद में हम लोग बात करें अगर, तो मैं SCF की बात करूं, अगर SCF क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा सबको, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, और LCM क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इनमें भी दोनों में डिफरेंस है, ये फैक्टर है और ये मल्टीपल्स है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर LCM की बात करें तो वही SCF और साथ में बचा हुआ सारी चीज़ें, SCF 13 और बची हुई सारी चीज़ें कौन, 2 इंटू 7। अब आइए देखिए भाई, हम लोग एक बार एक चीज़ देखो, मैं इधर करूं कि मैंने SCF को और LCM को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, SCF को और LCM को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 13 इंटू 13 इंटू 2 और इंटू 7। अब मैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, अगर मैं इनको रीअरेंज करूँ तो मुझे इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ रीअरेंज करके वापस लिख रहा हूँ, यानी क्या लिखूँ मैं, 13 इंटू 7, और इसको क्या लिख सकता हूँ इंटू में, 13 इंटू 2, क्या हो गया भाई, रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये 91 इंटू में ये 26। दिस इज़ द फैक्ट, दैट मीन्स अगर मान के चले कि कोई दो नंबर्स है आप लोगों के पास में, ए एंड बी, कोई दो नंबर है ए एंड बी, तो उन दोनों नंबर्स का अगर मैं LCM, SCF और LCM फाइंड आउट करूँ और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो दोनों नंबर्स का जो SCF और LCM का मल्टीपल्स होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल्स होगा। यानी अगर किसी दो नंबर्स के मल्टीपल्स की बात करें तो उन दोनों नंबर्स का SCF और LCM का मल्टीपल जो होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू SCF इनटू LCM। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़ा सिंपल सा, मान के चले कि सर एक नंबर दे दिया, एक ए है और दूसरा 18 है, सर इसका दो नंबर्स है और इसका LCM जो है वो 36 है और SCF जो है वो 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एक नंबर ए है और दूसरा 18 है, उनका LCM 36 है और SCF 3 है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, सिंपली लगा दीजिए अपने पास में जो आप लोगों को फॉर्मूला दे रखा है, SCF इंटू LCM दैट मीन्स 36 इंटू 3 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट मीन्स ए इंटू 18, क्या सिंपली ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36 इंटू 3 और अपॉन में 18, इससे ये कितने टाइम कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगी। ये सिंपली छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोगों को NTSC ओलंपियाड वगैरह में पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे भाई हम लोग। तो सिंपल क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग जैसे 140 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की, अगर छोटा नंबर है तो डायरेक्ट आप लोग फैक्टराइजेशन लिख दें, और बड़े नंबर है तो वैसे ट्री मेथड से या वैसे भी आप लोग फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं। जैसे इसको करें हम लोग तो कितना हो जाएगा ये 2, वैसा करके देखें हम लोग तो 270 टाइम, फिर 2 से अब 35 और फिर 5 आप लोगों के पास में और फिर 7, तो कितना हो जाएगा भाई 140 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 140 के। नेक्स्ट जो नंबर आप लोगों का जैसे 156 है, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम लोग तो 2, ये आप लोगों का 7 और 8 78 टाइम, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 और 9 आप लोगों के पास में, फिर 3 का डिवाइड होगा तो ये 13 टाइम और 13 से ये 1 टाइम,
क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, वही 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आप लोगों के पास में, 156 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। बेसिकली कभी कभी प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा इसको पूछा बोला जाता है कि ट्री मेथड से आप लोग फाइंड आउट कीजिए, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए ट्री मेथड से। तो उसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता, ट्री मेथड्स की तरह हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान के चले कि 380 है, अब 3825 है, अब इसको ट्री मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का नंबर्स है और उसमें सबसे पहले वही 5 का डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 5 का डिवाइड, ये आप लोगों के हाथ में आ जाएगा। जैसे अगर ऐसा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको इधर एक बार रफ में आप लोग वैसे करके और फिर ट्री फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं इसको, लाइक 3825 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 का डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम और फिर कितना रह गया ये 6 टाइम और फिर आप लोगों के पास में क्या रह जाएगा 2 और 5 टाइम, फिर से 2 का 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आप लोगों के पास में 1 टाइम, फिर आप लोगों का 3 टाइम और फिर आप लोगों का 3 टाइम और इसके बाद में किसका डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा भाई, इसके बाद में ये आप लोगों का 1। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करने का भी एक सीक्वेंस होता है कि कभी कभी आप लोगों का जैसे फैक्टर्स नहीं आते हो ना, तो आप लोग उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स, जैसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखिए, अगर 2 से होता है इवन नंबर जितने भी होंगे वो तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, अगर 2 से नहीं होता है तो फिर उसके बाद में 3 से डिवाइड करके देखिए, फिर 3 के इससे नहीं होता है तो हम लोगों को 4 पे नहीं जाना, क्योंकि 4 पे तो अगर 2 से होता तो 4 से वैसे ही हो जाता, इसके उसके बाद में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, अगर 5 का भी नहीं होता है तो फिर उसके बाद में हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, और अगर 7 से भी नहीं होता है तो उसके बाद में हम लोग सीधा जाएंगे 8 से, नहीं करना आपको 9 से, नहीं करना 10 से, नहीं करना फिर 11 से, 11 से भी नहीं होता है तो फिर आप लोग जाएंगे 13 पे, 13 पे भी अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग जाएंगे 17 पे। तो ये हम लोग बात करें इसका, ये आप लोगों के पास में 17 से डिवाइड हो सकता है क्या, 17 क्या से डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड शायद नहीं होगा, कितने से डिवाइड होगा ये, तो हम लोग 5 से तो होगा नहीं, 6 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं होगा, हाँ 7 से हो सकता है डिवाइड, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम हो जाएगा, 7 × 1 = 7 6 रहेगा 9 टाइम, और फिर उसके बाद में अब तो सीधा 9 से डिवाइड हो जाएगा आप लोगों के पास में 1 टाइम, तो क्या फैक्टराइजेशन हो जाएगा वही, अब इसको मैं ट्री मेथड से सोल्व करवा रहा था, 765 765, फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, ट्री मेथड में एक को राउंड सर्किल में और दूसरे को स्क्वायर में लिखते हैं, इधर हम लोग लिखेंगे किसका डिवाइड किया था, 5 का डिवाइड किया था और उसके बाद में इसको क्या लिख रहे हैं, उसके बाद में डिवाइड कर रहा था तो क्या आया था 133 133, उसके बाद में ये आप लोगों का किससे डिवाइड हुआ था, ये 133 7 से डिवाइड हुआ था, कितने टाइम 19 टाइम, फिर 19 को हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, 19 से डिवाइड करा था, फिर उसके बाद में ये आप लोगों का 1, क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 इज इक्वल टू, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 × 5 × 7 × 19, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 3825, ये 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। जब आप लोगों को ट्री मेथड के लिए बोला जाए तो आप लोगों को इस तरह से लिखना, उसके बाद भी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से, और सिंपली आप लोगों को ये कहा जाए कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आप लोग सिंपली ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दीजिए, और ट्री मेथड का नाम पूछे ट्री मेथड्स के लिए बोले तो आप लोग इस तरह से, और अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करेंगे तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमिना का यूज करेंगे, भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा और फैक्टराइजेशन के लिए बोला जाएगा, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, उसमें क्या रहेगा आप लोगों के पास में, ये जैसे दे रखा है, इधर मैंने लिख रखा है दैट प्रूव दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी, जहां ए और बी क्या है
नंबर्स है भाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आना चाहिए। यह आप लोगों को प्रूव करना है, यानी पहले तो आप लोग HCF और LCM फाइंड आउट करें और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उनको। कैसे करेंगे देखिए एक बार जरा, कुछ बच्चों के तो मजे ही हो रहे हैं, बोला बढ़िया है लॉकडाउन ऐसे ही बढ़ता रहे आराम से, ना एग्ज़ाम लग रहे हैं और ना स्कूल जाने हो रहे हैं, और पढ़ाई के नाम पे घरवाले भी कुछ नहीं बोल सकते अब तो। जैसे फिर ही बैठे तो बोला मामा सिलेबस नहीं है, बुक्स नहीं है, पढ़े भी तो क्या पढ़े, और नाइन्थ क्लास का पढ़े तो पूरी साल बोला पढ़ लिया अब क्या पढ़े। इसलिए बहुत सारे बच्चों के तो मजे हैं, वो तो दुआ ये करते हैं कि लॉकडाउन चलता रहे, ये चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। चलिए देखिए 96 लास्ट वाला क्वेश्चन, CBSE और RBSE में कॉमन क्वेश्चन है, पहले ले रहा हूँ 96 और 404। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो, हो सकता है जैसे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हो तो वो डायरेक्ट ही 96 को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ बच्चे मेरी तरह अगर कमज़ोर है तो वो उसमें कोई नहीं है कि आप लोग फैक्टराइजेशन ऐसे करके जो बचपन से सीखते आए वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 96 सबसे पहले वही 2 का डिवाइड करेंगे हम लोग, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, फिर उसके बाद में क्या रह गया आप लोगों के पास में 80, 48, फिर आप लोगों का 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, फिर से 2 से डिवाइड करा तो 12, फिर से 2 से डिवाइड करें तो 6, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ये 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 3 जा 96। दूसरा जो है आप लोगों का फैक्टराइजेशन 404, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 0 2, उसके बाद में 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 101। फिर अब देखिए भाई 101 है प्राइम नंबर है, डायरेक्टली आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 101 और इनटू ये आप लोगों का 1। अब HCF और LCM हम लोगों को लिखना है तो क्या करेंगे, 4 LCF, पहले हम लोग इसको इसी तरह से लिखना भाई आप लोगों को, 4S पहले जैसे लिख लिया, उसके बाद में 96 को लिख लीजिए, 96 इजिकल्स टू 2 इंटू 2 की पावर्स देख लीजिए कितना है, 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है। इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं लिखना चाहे तो एक बार लिख के उसके जितनी भी पावर्स है उसको इस तरह से लिख दें इंटू 3। और 404 को हम लोग क्या लिखेंगे, 404 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों का, अगर फॉर HCF के लिए बात करें हम लोग, HCF के लिए क्या करेंगे, HCF के लिए फैक्टर्स लिख लीजिए, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है फैक्टर एक तरफ और एक तरफ पावर्स। फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स कौन से भाई, 2 है कॉमन फैक्टर ओनली, 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है, तो कितनी कॉमन पावर्स है, इधर 2 है और इधर 5 है, लेकिन जो दोनों में है वो हम लोगों को लिखनी है कितनी पावर है, 2। तो HCF इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, HCF इजिकल्स टू आप लोगों के पास में हो जाएगा 2 और 2 की पावर 2। या ऐसे नहीं लिखे तो हम लोग यहाँ से कॉमन देख लीजिए कितनी पावर्स है, या इधर से देख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम मैंने लिख दिया इसको, और इंटू 3, और इधर क्या लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 101, पहले जो हम लोगों ने किया था वैसे। जैसे ये आप लोगों का 1 पावर और एक ये पावर, 2 पावर कॉमन थी तो 2 पावर्स आप लोगों के पास में हो गई, जिसमें HCF क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, दैट मीन पावर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फैक्टर किसका, 2 का, बेस में आप लोगों का 2 और पावर्स कितनी 2, तो 2 की पावर 2 4 आप लोगों का HCF हो जाएगा यहाँ से। फॉर LCM की बात करें तो LCM के लिए वही फैक्टर और वही पावर, LCM में सारे फैक्टर्स लिए जाएंगे, छोड़ेगा कुछ नहीं उसमें, तो LCM में फैक्टर्स के एक तो 2 फैक्टर है इसमें, एक कितना फैक्टर है, एक 3 फैक्टर है और एक 101 फैक्टर है। क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर कितनी है, हाईएस्ट 5 पावर है, 2 की पावर कितनी है 5, और 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1,
3 की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1, और 101 की पावर कितनी है, 1। यानी कि अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास में एलसीएम हो जाएगा जो जो बेस जो जो आप लोगों के फैक्टर्स है, एक तो 2 और उसकी पावर कितनी 5, और एक क्या रह जाएगा, एक 3 और उसकी पावर कितनी, पावर देख लीजिए भाई 1, और एक कितना 101 और उसकी पावर कितनी है 1। यानी कि अगर आप लोगों को सिंपली फैक्टराइजेशन करना है इस तरह से लिखना है, एक तरफ फैक्टर और एक तरफ पावर्स। फैक्टर्स में तो जो जो नंबर्स आप लोगों के फैक्टर में आए हों और पावर्स में जितनी बार वो आए वो आप लोगों को लिखने, फॉर एचसीएफ के लिए तो वो कॉमन लिखने हैं जो सब में आए, दोनों में आए, दोनों दिनों जितने भी नंबर्स हैं उनमें आए, और एलसीएम में सबको लिखने हैं, जितने भी फैक्टर्स आए हैं उन सबको आप लोगों को लिखना है, और उनमें से जितनी पावर्स आप लोगों के पास में आ रही है वो पावर्स उनके ऊपर लिखते जाइए, वो आप लोगों का एचसीएफ और एलसीएम आ जाएगा। अब प्रूव करना है, प्रूव एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। हम लोग अगर एस सी एफ और एल सी एम का मल्टीप्लाई करें, एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी आप लोगों के पास में आना चाहिए। तो हम लोग एस सी एफ का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, और एल सी एम का मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 101। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, देख लीजिए भाई मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, पहले इधर 2 की पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 64, यह कितना 16 2 जा 32। हाँ भाई, कुछ गलती हो तो बताना, 32 इंटू 3 और इंटू में 101। मल्टीप्लाई करें हम लोग तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो और इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आप लोगों का 128। अब 128 और 303 को मल्टीप्लाई करके देखें, और उसके अलावा 96 और 404 को मल्टीप्लाई करके देखें, दोनों अगर इक्वल टू आते हैं तो आप लोगों का आंसर सही है, और दोनों अगर अलग अलग आते हैं तो आप लोगों का आंसर अलग अलग है। या फिर इसको ऐसा करने के बजाय हम लोग फैक्टर्स को उस तरह से अलग अलग कर लें हम लोग, जैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आंसर आप लोगों को जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोगों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैं फैक्टर्स को अलग अलग ले जाता हूँ तो इन दोनों को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें तो आप लोगों के पास में 2 इंटू 5 और इंटू 3 आ जाएगा, और इंटू 2 की पावर 2 और इंटू 101 आ जाएगा आप लोगों का। ये तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 और 3 तो 96, और इंटू में ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 404, यानी वापस से उतना का उतना ही मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और 96 और 404 का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो उसके बाद में वो जो 2 क्वेश्चंस है वो आप लोगों को होमवर्क में है, ये वाला और ये वाला आप लोगों को खुद से करना है, और नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस, आप लोग पढ़ाई करें आराम से बैठ के घर पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जिन्होंने की पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है जी जान से, इस लॉकडाउन में मेहनत में लगी हुई है ताकि आप लोगों को स्टडी मटेरियल और चीज़ें समय पर आप लोगों को उपलब्ध करवा जाए। थैंक यू गाइज़।